श्री गुरु तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित अपने अध्यात्म स्वरूप की साधना के प्रमाण स्वरूप 14 ग्रंथों की वांछना के क्रम में श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथराज का स्वाध्याय वांछन चल रहा है। और कल तक हमने अक्षर स्वर व्यंजन और पद के संबंध में यहाँ चर्चा की है। आज से अर्थ से संदर्भित गाथाओं का यहाँ वांचन 340 गाथा आगे होगा। गुरु महाराज ने यहाँ अक्षर का अर्थ अपना अक्षय स्वरूप कहा है। अपने आत्मा का अक्षय स्वभाव ही अक्षर है। स्वर कहा है अपने सूर्य समान केवल ज्ञान स्वभाव को। व्यंजन कहा है अपने ज्ञान विज्ञान स्वरूप को। और पद निर्विकल्प स्वभाव है। इस पद का अनुभवन करना ही पद का अर्थ है, अर्थात सार। इस अर्थ में रहने का प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ में निरंतरता बनी रहना सदर्थ अर्थ है। इसी की प्राप्ति के लिए जिनेन्द्र परमात्मा ने उपदेश दिया है। इस प्रकार का अक्षर स्वर व्यंजन आदि का स्वरूप कहा है। गाथा 346 से 348 तक अर्थ क्या है, इसे यहाँ गुरुदेव कहते हैं। शब्दों से मिलकर जो बने पद हैं, उन पदों का अर्थ होता है सामान्य लोकाचार में। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं अक्षर स्वर व्यंजन पद ये सब निशुद्धार्थ स्वभाव ही है। इसका वेदन करना अनुभवन करना यही इसका अर्थ है। गाथा 340 से 348। अर्थम च अर्थ शुद्धम अर्थम ति अर्थ शुद्ध परमर्थम अर्थम विरह अनर्थम ज्ञानम आवरण अन्वितम दिष्टम अर्थ ति अर्थम शुद्धम तम संपूर्ण ज्ञान समयम च ज्ञान विहीन अनर्थम पज्जय सैकार ज्ञान आवरणम अर्थम अव्यास अर्थम अव्यासम शुद्ध मम ज्ञान से अव्यास रहिय अज्ञानम ज्ञानम आवरण नरे। अर्थ में शुद्ध परमार्थ स्वरूप ही प्रयोजनीय है, यही शुद्ध अर्थ का अर्थ है, अर्थात प्रयोजन का सार है। ऐसे प्रयोजन से विरत होना अनर्थकारी है। इस अनर्थ को देखना माने अनृत को, असत्य को देखना है। यह वृत्ति ज्ञानावरण कर्म बंध की कारण है। समझ तो मैं संपूर्ण ज्ञान से संपन्न अपना स्वात्मय शुद्धात्म स्वभाव तीर्थमय स्वरूप ही अर्थ है। ऐसे ज्ञान से विहीन होना अनर्थ है। पर्याय का सहकार करने से जीव अपने अर्थ स्वरूप ज्ञान से रहित होता है और ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध करता है। इस प्रयोजनीय स्वभाव में रहना ही अर्थ का अभिप्राय है। शुद्ध ममल ज्ञान स्वभाव में रहना ही अर्थ का अभिप्राय है। इस पुरुषार्थ से रहित होना अज्ञान है, ज्ञानावरणादि कर्म बंध का कारण है और दुर्गति नरक आदि का बीज है। ये जो अर्थ के साथ पुरुषार्थ यहाँ 48 गाथा में संयुक्त किया, यह अभ्यास पुरुषार्थ अपने स्वरूप में रहने का है।
जिस अर्थ को पाया है, पद के अनुभवन को उपलब्ध किया है, इसमें रहना, इसमें डूबना ही सच्चा पुरुषार्थ है। 349-350 की कारिका में गुरुदेव से कहते हैं, अव्यासम शुद्ध सहावम अव्यासम परम भाव लक्षम अव्यासिकम कितनम अव्यासम रही ज्ञान आवरणम अव्यास नंत नंतम नंत चतुष्टय सममल सभावम। शुद्ध स्वभाव में रहने का अभ्यास ही सच्चा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से परम भाव की उपलब्धि होती है। कर्म 6 होते हैं। इस पुरुषार्थ से रहित होना ज्ञानावरण कर्म बंध का कारण है। अनंत अनंत स्वभाव में ठहरने का पुरुषार्थ करना, इस पुरुषार्थ से अनंत चतुष्टयमयी अपना ममल स्वभाव प्रकट होता है। अव्यास हीन का पुरुषा, ऐसे आत्म पुरुषार्थ से हीन पुरुष कायर है। ज्ञान पर आवरण करके संसार में परिभ्रमण करते हैं। ज्ञान बलेन इष्ट संजोए, ये जो वाक्य गुरु महाराज ने दिया है, ज्ञान के बल से अपने इष्ट स्वभाव को संजोना। ये इष्ट अपना अनंत चतुष्टयमयी ममल स्वभाव है, इसमें रहने का पुरुषार्थ ही सच्चा पुरुषार्थ है, आत्म बल है। इस पुरुषार्थ से हीन कायरता है और ये परिणाम ज्ञानावरण कर्म का बंध कराकर संसार में परिभ्रमण का निमित्त बनता है। अपने सत्स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ, सत्स्वरूप में ठहरने रूप सदर्थ शब्द से दिया है गुरुदेव ने यहां, और इसको स्पष्ट करते हैं 351-52-53। सदर्थम अर्थ सहावम सहकारेण सदर्थवेन ज्ञानम अनृतम अचेत अनर्थम अन्यान कष्ट ज्ञान आवरणम। सहकार अर्थ सहावम सहजोपनीत साव सदर्थम अनेय विप्रम सह्यम ज्ञानम आवरण दुर्गे पथम शब्दम तदर्थ रूपम शब्दम किपियोनिकम तिवेन शब्दम अलक्ष्य लक्ष्यम शब्दम अनिष्ट ज्ञान। अपने सत स्वभाव में अस्तित्ववान स्वरूप में ठहरना ही इस पुरुषार्थ का प्रयोजनी सारभूत तत्व है। अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव का सहकार करना ही सत अर्थ है। इससे हटना, क्षणभंगुर अचेतन्य वस्तुओं को देखना अनर्थ है। इस अनर्थकारी परिणाम के साथ विभिन्न प्रकार का क्रियारूप आचरण करना अज्ञान रूप कष्ट मात्र है, जो ज्ञानावरण कर्म बंध का कारण है। स्व स्वभाव का सहकार करना ही प्रयोजनीय है। सहज में उत्पन्न अपना सत्स्वरूप पदार्थ निःशुद्धात्म तत्व, यही स्वरूप में रहना, यही स्वरूप का पुरुषार्थ कल्याण का उपाय है। और इसके सहकार के बिना अनेक प्रकार के विभ्रम से सहित होना ज्ञानावरण कर्म बंध कराने वाला है और दुर्गति का पात्र बनाने वाला है। शब्द भी वही है जो अपने सत्स्वरूप प्रयोजनीय स्वभाव का दर्शन कराने में साधन बने। इन शब्दों के निमित्त से जब सत्य को जीव स्वीकार करता है तो तीनों ही प्रकार के कर्म 6 होते हैं। शब्द वे ही है जो अलग स्वरूप का अनुभव कराने में निमित्त बने। ये शब्द तो शब्द हैं और इसके विपरीत अनिष्ट शब्दों में लगना, पर्यायी भावों को देखना, पर्यायी परिणमन में उलझना, अनिष्ट शब्द का व्यवहार करना, पर्याय में रंजायमान होना, ये सारे परिणाम
ज्ञानावरण कर्म बंध के कारण। वचन वे ही वचन सही हैं जो वचन अपने स्वभाव को अपने सत्स्वरूप को उपलब्ध कराने में निमित्त बनते हैं। इस वचन की बात को 354-355 नंबर की गाथा में कहकर गुरुदेव परम पारिणामिक स्वभाव में रहकर मुक्ति की प्राप्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गाथा 354-356। वैनम च कमिजिनियम वैनम च शुद्ध सावनी मलयम वैनम तास्वैरूपम अनिष्ट वैनम च ज्ञान आवरणम वैनम च नृतम वैनम नित सहकार अनृतम विरयम जय अनृत वैतम ज्ञानम आवरण दुख ज्ञानम च ममल ज्ञानम ज्ञानम सहकार कम संक्षिपनम पज्जावम नौ पिच्छदे ज्ञान सावेन। वचन वे ही वचन हैं जिन वचनों के निमित्त से कर्म जीते जाते हैं। जो वचन अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव का बोध कराते हैं ऐसे शाश्वत स्वरूप को दर्शाने वाले वचन ही वास्तविक वचन है। इसके विपरीत अनिष्ट वचनों में लगना ज्ञानावरण कर्म बंध का कारण है। वचन वे ही सत्य हैं जो अपने सत्स्वरूप का सहकार कराते हैं। अनृत से नाशवान से क्षणभंगुर संयोगों से विरत कराते हैं। और यदि तुम उति अनृत झूठ वचन का पर संयोगी वचन का उपदेश करो संयोगों की महिमा की बात करो तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा जो दुखों का बीज भूत है। इसलिए इन सारे निमित्त कारणों से हट बचकर एकमात्र अपना ममल ज्ञान स्वभाव ही उपादेय है। इसका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ऐसे ममल ज्ञान स्वभाव के सहकार करने से कर्म क्षय होते हैं। पर्याय को मत देखो ज्ञान स्वभाव में लीन रहो इसी से मुक्ति गमन होता है। इस प्रकार 325 नंबर की गाथा से चार घातिया कर्मों का वर्णन प्रारंभ किया था और यहाँ 325 से 356 नंबर की गाथा तक ज्ञानावरण कर्म का बंध कैसे होता है इस बात को गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ सदर्थ अभ्यास पुरुषार्थ जिन वचन इन्हें न देखना इनके अनुरूप अपने स्वभाव का अनुभव न करना यही ज्ञानावरण कर्म बंध का कारण है जो दुर्गति का दाता है। पर्यायी परिणमन से दृष्टि हटाकर अपने ममल ज्ञान स्वभाव में रहने की प्रेरणा गुरुदेव ने यहाँ दी है। और अब गाथा 357 से 372 नंबर की गाथा तक दर्शन का स्वरूप दर्शनोपयोग के चार भेद उस संबंध में चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण के बंध का कारण इन सब रहस्यों को यहाँ सद्गुरु स्पष्ट करते हैं। 357 और 358 नंबर की गाथा में दर्शन की भूमिका और चार प्रकार के दर्शनोपयोग के जो भेद हैं उनका कथन किया है। दो गाथाएं दर्शन अनंत दर्शन दर्शन विज्ञान ज्ञान सहकारम दर्शन भेय चौकम दर्शन दंसे अप परमपम चक्ष्यम दर्शति शुद्धम अचक्ष्य दर्शन दर्शयति शुद्धम अवधे अवै संयुक्तम केवल दंसे नंत नंताहि। अनंत स्वभाव को देखना ही दर्शन है। ज्ञान विज्ञान का सहकार करके निर्विकल्प स्वानुभूति में स्थित होना ही दर्शन है। इस दर्शन के चार भेद हैं। यह दर्शन अपने आत्मा को परमात्म स्वरूप दर्शाता है। शुद्ध स्वभाव को
देखता है वह चक्षु दर्शन है। निर्विकल्प स्वभाव को देखना चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन शुद्ध देखने का नाम है और अचक्षु दर्शन शुद्ध दिखाता है। चक्षु दर्शन में डायरेक्ट जिस स्वरूप का दर्शन करना है वो प्रत्यक्ष होता है। अचक्षु दर्शन में बीच में शब्द चिंतन मनन माध्यम बनता है। जो शुद्ध को देखता है वो चक्षु दर्शन, जो शुद्ध को दिखाता है वो अचक्षु दर्शन। अवध अविनाशी स्वभाव के आश्रय से जो निर्विकल्प दर्शन संयुक्त होता है वह अवधि दर्शन, और अनंतानंत को जो देखता है प्रकट करता है वह केवल दर्शन। ऐसे चार दर्शन है। अब इनमें एक एक दर्शन का स्वरूप कहेंगे और उससे विपरीत पर्याय में रत होने से तत्संबंधी आवरण पड़ता है, इस रहस्य को स्पष्ट करेंगे। गाथा 359 से 363। चक्यम च शुद्ध भावम चक्यम च ममलिदित भावम संसार करणि वीर्यम अजैरतम च चक्षुआवरणम परनिर्देश नदिष्टम नवदिष्टम शुद्ध भाव निष्टम इष्टि संयोयम दिष्टम हृदय रूपम च चक्षुआवरणम चक्यम ममलतावम दंतन ज्ञानेन अन्मोय संयुक्तम अन्मोयम अंतरयम पत्तम चक्यम च दिष्टिष्टम अतीन्द्रिय स्वभाव ज्ञान सैकारम दंतन शुद्ध अन्मोयम दंतन आवरण पश्चाव दंते मोक्ष मग्गम मल रहियो शुद्ध दंशनम अमलम असत्यम अतरन तीक्तम चक्षु दर्शन को यहां आचार्य कहते हैं ममल स्वभाव को शुद्ध भाव की दृष्टि से देखना चक्षु दर्शन है। यह संसार के परिभ्रमण से विरत कराने वाला है। शुद्ध भाव पूर्वक ममल स्वभाव को न देखकर दृष्टि पर्याय में रत होती है तो चक्षु दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। वर्ण विशेष नदिच्छम कहते हैं, वर्ण विशेष को मत देखो। नवदिच्छम अशुद्ध भाव अनिष्टम और न ही अशुद्ध अनिष्ट परिणामों को देखो। इष्ट संजोयम दिच्छम एकमात्र अपने इष्ट स्वभाव को संजो उसी को देखो। अगर पर्यायी रूप को देखोगे पर रूपों को देखोगे तो ये चक्षु दर्शन पर आवरण करने वाला परिणाम है। असल में चक्षु इंद्री के निमित्त से जीव जिन जिन पदार्थों को देखता है, जिस पदार्थ को देखा उस पदार्थ को देखने पर मतिज्ञान होने के पहले जो उस वस्तु का सामान्य अवलोकन है इसका नाम चक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियों से जिस विषय को जीव जानता है अपनी अपनी उस इंद्रिय के विषय को जाना, तो मतिज्ञान होने के पहले जीव ने उस वस्तु का उस विषय का जो सामान्य अवलोकन किया उसका नाम अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाली निर्विकल्प शुद्ध उपयोग की स्थिति। ये इनका आगम परक स्वरूप है। यहां गुरुदेव कहते हैं चक्षु इंद्रिय से वर्ण विशेष को मत देखो।
और अंतर में अशुद्ध अनिष्ट परिणामों को मत देखो। अपने इष्ट स्वभाव को देखो, पर्यायी रूपों को देखोगे चक्षु दर्शन पर आवरण हो जाए। अपने ममल स्वभाव का दर्शन करो, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहो। अगर स्वभाव की अनुमोदना में तुम अंतर करते हो, भेद डालते हो, तो यही चक्षु दर्शनावरण बंद कराएगा और दुर्गति का पात्र बना। इष्ट स्वभाव पर दृष्टि रखना ही चक्षु दर्शन। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का सहकार करके शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना करना ही चक्षु दर्शन है। और पर्याय को देखना चक्षु दर्शन पर आवरण डालना है। ये चक्षु दर्शन मोक्ष मार्ग को दर्शाता है, मल रहित ममल शुद्ध स्वभाव का दर्शन कराता है, असत्य और असरण से बचाता है। किंतु पर्याय से दृष्टि हटे, ऐसे सत्य स्वभाव पर रहे तो ये असत्य असरण सब छूटते हैं। और ऐसे शुद्ध दर्शन का सहकार करने से सारे कर्म विला जाते हैं। इस प्रकार 363वीं गाथा तक चक्षु दर्शन का स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि से हटकर पर्याय को देखने से चक्षु दर्शनावरण कर्म का बंद होता है, यह रहस्य गुरुदेव यहां स्पष्ट करते हैं। और 364वीं गाथा में अचक्षु दर्शन का स्वरूप कहते हैं। अचक्षम दर्शन उत्तम शब्दम सहकार ज्ञान वे ज्ञानम कम मल स्वयं चिपनम अचक्षु दर्शन दर्शे शुद्धम। अचक्षु दर्शन का स्वरूप कहते हैं शब्दों के द्वारा ज्ञान विज्ञान स्वभाव को सहकार करना, स्वीकार करना। जिन वचनों के माध्यम से अंतर में चिंतन मनन पूर्वक अपने स्वभाव को ग्रहण करना, श्रुत मनिंद्रिय श्रुत ज्ञान है मन का विषय। मन को अपने आत्म स्वभाव के चिंतन मनन में लगाना, शब्दों के द्वारा ज्ञान विज्ञान का सहकार करना अचक्षु दर्शन है। इससे कर्ममल स्वयं ही क्षय होते हैं और यह चक्षु दर्शन अपने शुद्ध स्वभाव को दर्शाता है, प्रकट करता है। चक्षु अचक्षु दर्शन का स्वरूप कहकर 365 नंबर की गाथा से 372 नंबर की गाथा तक अवधि दर्शन और केवल दर्शन का संयुक्त कथन कर रहे हैं। प्रथम 365 से 369 तक दर्शन्ति लोय अवलोयम् दंशन दंशे मुक्ति सैकारम् पञ्जावम् पर उत्तम दंशन आवरण सरन संसारे दंशन अनंत रूपम् दंशन दृष्टि चकम् किपे ऊनम् यदि पज्जय अनुरक्तम् दंशन आवरण दंते तेवनगम दंशन के पिन के रूपम दंशन ममल सावम ज्ञान विज्ञान दंशनम शुद्धम जम सरनि वाव सहकारम दंशन आवरण दुख दर्शन तिलोय अवलोयम दंशन दंसे मुक्ति सहकारम। दर्शन लोकालोक को दर्शाने वाला है। दर्शन निर्विकल्प स्वभाव को दर्शाता है और मुक्ति का सहकार कराता है। ऐसा दर्शन नहीं करके पर पर्याय में जुड़ना, पर पर्याय को कहना, दर्शनावरण कर्म बंद करके संसार में परिभ्रमण करना है। अनंत स्वरूप को देखना ही दर्शन,
ऐसे दर्शन की दृष्टि से कर्म क्षय होते हैं। यदि पर्याय में अनुरक्त होते हो तो दर्शनावरण कर्म का बंद करके दो इंद्रिय इत्यादि दुर्गतियों के पात्र बन जाओ। दर्शन ज्ञान की अनुमोदना से संयुक्त होने पर तीन लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमात्मा के समान स्वरूप का दर्शन प्रकट होता है। स्वानुभूति में प्रत्यक्ष वेदन में आता है। यदि पर्याय स्वभाव की तरफ देखते हो तो दर्शनावरण कर्म का बंद करना है, जो दुखों का बीजारोपण कराता है। दर्शन छायिक स्वरूप है। दर्शन के सहकार से कर्म विलय होते हैं। यदि पर्याय में रत होते हो, पर्याय में रत होना दर्शनावरणी कर्म बंद का कारण और संसार में परिभ्रमण का कारण। अपने ममल स्वभाव का दर्शन करो। ज्ञान विज्ञान में ही शुद्ध स्वभाव को देखो, इससे ही कल्याण होगा। और अगर सरणी भाव का सहकार करते हो, संसार के कारणभूत परिणामों में रमते हो, तो दर्शनावरणी कर्म का बंद करके दुखों से संतप्त होना पड़ेगा, दुखों की आग में जलना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि पर्याय से दृष्टि हटाओ। गुरु महाराज अपन सबको कह रहे हैं, पर्याय से दृष्टि हटाओ और अपने सत्स्वरूप को देखो। आत्मा के कल्याण का मार्ग निस्वभाव का दर्शन है। 370 से 372 तक इस प्रसंग की दर्शनावरण कर्म का बंद जिन कारणों से होता है उस संबंध की पूर्णता 372 नंबर की गाथा तक कर रहे हैं। दंशन अरूव रूवम रूवातीतम च निम्मलम अम्लम यदि कलेष्ट स्वभावम दंशन आवरण नंत संसारे इष्ट संयोयम दिष्टम इष्टम कितियोनिकम शिवेन यदि अनिष्ट दिष्ट सहकारम दंशन पर नहीं उत्तम अनंत चतुष्टय ममल सहकारम आनंदम परमानंदम दंशन धरणम च रूपातीत निर्मल ममल अरूपी स्वरूप का दर्शन करना ही दर्शन है। यदि शरीर के स्वभाव को इष्ट मानकर शरीर को देखते हो तो ये दर्शनावरण कर्म का बंद करके अनंत संसार में परिभ्रमण का कारण बनेगा। इष्ट स्वभाव को देखो, इसी को संजो। इस इष्ट स्वरूप की आराधना से तीनों प्रकार के कर्म क्षय हो जाएंगे। और अगर तुम अनिष्ट को देखते हो, अनिष्ट का सहकार करते हो, तो दर्शनावरणी कर्म का बंद करके व्यंतर गति के पात्र बन जाओ। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महुरा गंधर यक्ष राक्षस भूत पिताचा ये होना पड़ेगा। जो काम यहाँ अपन सब कर रहे हैं वो काम फिर भावी करना पड़ेगा। ऐसे भाव है, संयम तप है और पर्याय दृष्टि है। कोई मुक्ति तो मिलेगी नहीं पर्याय दृष्टि से। पापों से बचे हैं, पुण्य में आचरण है, तो भाव है। और ऐसे में अगर चले गए तो बेव्यंतरा किन्नर किम पुरुष होना पड़ेगा। इसलिए दृष्टि अपने इष्ट स्वभाव की रखना है। सद्गुरु कहते हैं दर्शन परिणय उत्तम, दर्शन की परिणति का कथन करते हैं। अनंत चतुष्टयमयी ममल स्वभाव का सहकार करके आनंद परमानंद में रहना यही दर्शन रूप परिणति है, यही दर्शन रूप परिणमन है। और ऐसे निर्विकल्प स्वभाव के दर्शन को धारण करने से मुक्ति गमनम चा मुक्ति की प्राप्ति होती है। 372 नंबर की गाथा तक दर्शनावरण कर्म के बंध संबंधी कारणों का खुलासा किया। और अब प्रसंग है तीसरे कर्म का, मोहनी। अब मोह किससे करना? गुरुदेव कहते हैं पर से मोह करोगे, पर्याय से मोह करोगे तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए इस मोह की धारा को मोड़कर अपने स्वभाव के प्रति समर्पित कर दो। मोह करना ही है तो अपने स्वभाव से मोह कर। पर्याय से मोह करोगे
तो संसार के दुख देखने पड़े, भोगने पड़े। और इसी प्रसंग को गाथा 373 से 379 तक मोह की व्यवस्था का स्वरूप बताते हैं कि मोह को किस तरह से स्वभाव के प्रति मोड़ना है और संसार के प्रति जो मोह होता है उसका परिणाम क्या है। गाथा 373। मोहम पमान उत्तम अपा परम लोक लोकम चरितर निवाव मोहंदम सौ गई संसार चरणी। मोह के प्रमाण को कहते हैं कि मोह किससे करना, सच्चा मोह क्या है, प्रमाण मोह क्या है, कल्याणकारी मोह क्या है। अपा परमप लोक लोकम, अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप लोकालोक को जानने देखने वाले ऐसे स्वभाव के प्रति मोह करो, ये मोह भगवान बना देगा। यदि सरणी भाव मोहनदम, अगर सरणी भाव से क्षण भंगुर भावों से मोह करते हो, उसके मोह में अंधे होते हो, तो ये मोह चौबई संसार सरण चार गति रूप संसार के परिभ्रमण में जन्म मरण में निमित्त बनेगा। मोह करना ही है तो किससे मोह करना, अपने स्वभाव से, अपनी आत्मा से। और इस मोह के परिणाम को यहां आगे और स्पष्ट करते हैं 374 से 376। मोहम च परम मोहम ज्ञानम मन मोहे मोहे सैकारम जदि कलेष्ट विमोहम उगल स्वभाव। मोहम दंशन शुद्धम शुद्ध ज्ञानम च कम्य किपेहुनम विद्यायम लिंति नंतनंताहि मोहम ज्ञानमयो इष्टम मोहम च विगत संसारे यदि कल मोह तावम कल तैकारनंत। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करना, ज्ञान स्वभाव के प्रति मोह करके उसका सहकार करना, ये मोह ही उत्कृष्ट मोह है, परम मोह है। और यदि शरीर को इष्ट मानकर उसके प्रति विमोहित होते हो, उगल स्वभाव अनंत अनंताई अनंतानंत पुद्गलों को धारण करना पड़ेगा संसार में। जैसे अतीत में जन्म जन्म में अनंतानंत पुद्गलों को धारण कर करके यहाँ आए, कितने कितने पर्यायों को, कितने कितने शरीरों को इस मोह के कारण ही अपन ने धारण किया है और छोड़ा है। कहते हैं गुरुदेव, अगर शरीर को इष्ट मान कर इसमें विमोहित हुए तो अनंतानंत पुद्गल स्वभाव को ग्रहण करना पड़ेगा। शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान का मोह कर्मों को क्षय कराएगा। और यदि पर्याय स्वभाव में मोह करोगे तो पज्जायम लिंति नंतनंताई अनंतानंत पर्यायों को लेना पड़ेगा। जन्म जन्म में भाव भाव में अनंत अनंत पर्यायों को ग्रहण कर करके संसार के सुख दुख भोगने पड़े। मोह करना ही है तो अपने ज्ञानमयी इष्ट स्वभाव का मोह करो। ये मोह संसार से छुड़ाने में कारण बनेगा, इससे संसार छूट जाएगा। और अगर शरीर स्वभाव के प्रति मोह करते हो तो शरीर का सहकार करके अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। मोह की धारा को अपने स्वभाव के प्रति समर्पित करें, ऐसी प्रेरणा देते हुए गुरुदेव 377 से 379 नंबर की गाथा कहते हैं। मोहम दर्शन ज्ञानम चरणम तव सावेष्टम च यदि अनिष्ट मोहनम अनिष्ट संसार तरणी। मोहम परम पानम मोहम ज्ञान परम्पराय सौख्याय यदि मोहम पज्जावम। आनंदम परमानंदम
परमप्पा परम भावदर्शे इतमित ज्ञान सावम अमर सावीन। मोह करना ही है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन चार आराधनाओं सहित अपने इष्ट स्वभाव से मोह करो। यदि अनिष्ट मोह में अंधे होते हो तो इस झूठे संसार में परिभ्रमण करने का ही बीज पड़ जाएगा। मोह करना है तो अपने परमात्म स्वरूप से मोह करो। ये परमात्म स्वरूप का मोह, ज्ञान स्वभाव का मोह परंपरा से अनंत सुख की प्राप्ति कराएगा। और यदि पर्याय में मोह करते हो, पर्याय में रस होने से संसार के दुखों का ही बीजारोपण हो जाएगा। इसलिए पर्यायी मोह से विरत होकर आनंद परमानंदमयी अपने परम पारिणामिक भाव स्वरूप परमात्मा का दर्शन करो। यही अपना ज्ञान स्वभाव हितमित रूप है। अपने मवल स्वभाव में रहने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। चार घातिया कर्मों का प्रसंग 325 नंबर की कारिका से प्रारंभ किया था और ये प्रसंग 391 नंबर की गाथा तक चल रहा है, जिसमें अभी हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्म बंध के कारणों का यहाँ स्वरूप वांचन कर चुके हैं। 380 से 389 तक घातिया कर्मों का अंतिम चरण अंतराय कर ये कैसे बंधता है, गुरु महाराज की दृष्टि बड़ी अलौकिक है, बड़ी अद्भुत है। अंतराय कर्म बंध के कारण का मूल रहस्य उद्घाटित करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि उपयोग निरंतर स्वभाव में रहे तो कर्म का बंध नहीं होगा। पर्याय दृष्टि से न देखें तो कर्म का बंध नहीं होगा। दृष्टि स्वभाव में रत है और निरंतर स्वभाव में बनी है, पर्याय से कोई संबंध नहीं है, तब तो अबंध, निर्बंध और मुक्त स्वरूप मैं है जी। और अगर स्वभाव को छोड़कर पर्याय को देखता है तो पर्याय को देखना स्वभाव से अंतर डालना है। ये स्वभाव से हटना, पर्याय को देखना, ये भेद हो गया। इस भेद का नाम ही अंतर है। और ये अंतर किया तो यही अंतराय कर्म बंध का कारण। ये बात तो गुरु महाराज ने अपने कमलवती ग्रंथ में प्रारंभ से ही दे दी थी। 18वीं गाथा में कह दिया था कि अन्यानम न उदिच्छम ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च ज्ञानंतरम न दिच्छम पर जाओ दृष्टि अंतरम सहसा। पर पर्याय पर अचानक ही दृष्टि चली जाती है, यही अज्ञान है। ऐसे ज्ञानांतर को मत देखो। पर्याय की तरफ तुमने देखा कि स्वभाव से हटे, ये भेद हुआ, अंतर हुआ, ये अंतर अज्ञान है। ये अंतर अंतराय कर्म बंध का कारण है। इसी रहस्य को यहां गुरुदेव ने 380 नंबर की कारिका से 389 नंबर की गाथा तक स्पष्ट किया है और 390-391 में इस घातिया कर्म को, अभाव की परिणति को। और घातिया कर्म के अभाव से जिन विकारों का अभाव होता है उस स्वरूप को कहेंगे। तो यहाँ 380 से हम वांचन करेंगे 384। ज्ञानम च ज्ञान रूपम ज्ञान सावेन दंशनम अम्लम अनमोयम पज्जावम ज्ञानंतरम च नरे ज्ञानम ज्ञान सुतमयम ज्ञानी अनमोय ममल सहकारम यदि पज्जय अनमोयम अंतर आवरण दुगे पष्टम ज्ञानम च शुद्ध भावम शुद्धम अवयासिनन्तिनन्ताये।
नन्ति चतुश्चय जाने ज्ञानं कुर्वन् मोहिनीलेयं च यदि पश्याव स्वभावं ज्ञानं अन्तर्लुप्ते पश्यावं परिपिक्षं पश्याव पश्यावं विरियन्तो ज्ञानं अन्मोहि ज्ञान स्वरूप ज्ञानमय ऐसे अपने ममल ज्ञान स्वभाव का दर्शन करो। अगर पर्याय की अनुमोदना करते हो तो ज्ञान से अंतर उत्पन्न हो जाएगा और ये नरक गति का बीजारोपण करा देगा। ज्ञान ही ज्ञानमय है अपना स्व समय। तुम ज्ञानी हो ममल स्वभाव की अनुमोदना करो, ममल स्वभाव का सहकार करो। यदि पर्याय की अनुमोदना करोगे तो अंतराय कर्म का बंध करके दुर्गति के पात्र बन जाओगे। ज्ञानमयी शुद्ध भाव है अपना, ऐसे अनंतानंत शुद्ध भाव में रहने का पुरुषार्थ करो। यदि पर्याय का सहकार करते हो तो पर्याय की अनुमोदना से निगोद में बात करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग पर चल रहे हो, ज्ञानी हो तो स्वभाव में रहो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो जब ज्ञानानंद स्वभावी है भैया ज्ञानानंद में रहे, ज्ञानानंद स्वभाव है और रह कैसे रहे, हो कैसे रहे। जी सब अपने भीतर देखने की बातें हैं कि अपन कहते क्या है और करते क्या है। अरे जब आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा हूं तो संरूप अपन रहे वो अपना पुरुषार्थ है, और ये रहना पुरुषार्थ पूर्वक ही हो सकेगा। बिना पुरुषार्थ के स्वभाव की साधना नहीं हो सकती। यहां गुरुदेव कहते हैं चलन चतुष्टय में इस स्वभाव को जानो, अपने ज्ञानांकुर की अनुमोदना करो। ज्ञानांकुर यहां गुरु महाराज ने ज्ञान स्वभाव को कहा है। ज्ञानांकुर की अनुमोदना करके अपने ज्ञान स्वभाव से मिलो। यदि पर्याय स्वभाव को देखते हो तो ज्ञान से अंतर पैदा हो जाएगा और यही दुखों का बीज है। पर्याय को पहचानना पर को पहचानना है। पर्याय और पर की पहचान करने में अनंत पर्याय अनेक रूपों में विशेषता से दिखाई देने लगती हैं। इस पर्याय से विरत होकर ज्ञान स्वभाव में रहो तो कर्म क्षय हो जाएंगे। स्वभाव में निरंतर रमण करना कर्म की निर्जरा का उपाय है, और स्वभाव से हटकर पर्याय को देखना, पर्याय दृष्टि करना स्वभाव से अंतर डालना है, और ये अंतर अंतराय कर्म का बंध कराने वाला है। इसी रहस्य को आगे और स्पष्ट कर रहे हैं गाथा 385 से 389। यदि कष्टम च अनेयम सुतम तवम च नन्त नन्ताहि यदि पश्यावम पिच्छति ज्ञानान्तरम दुःखवेयम् मे ज्ञानसावम जानति ज्ञानम् विज्ञान ज्ञानम दंशन समम चरणम चरन्ति मनोविरंजे यदि पश्याव सरितम अविज्ञानम न विदंशनम चरणम अज्ञानम भक्ति नौकम पिष्यंतो भावकम च पिष्य विरेयंतो धब्बिकम नौ पिष्यति। पर्याय की पकड़ सहित पर्याय के आश्रय पूर्वक अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हो, बहुत प्रकार से तप करते हो, तो ये सब अनेक प्रकार का कष्ट भर है।
क्योंकि ज्ञान स्वभाव से अंतर किए हो और शास्त्रों को समझ रहे हो, तपस्या कर रहे हो, पर्याय दृष्टि बनी हुई है। ये स्वभाव से अंतर करके दुखों का बीज बोना है। ज्ञान स्वभाव को जानो, मन ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रंजायमान रहे, तब तो तुम ज्ञानी हो। और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में अंतर डाला, पर्याय की तरफ देखा कि अज्ञान का सहकार करके नरक में वास करना पड़ेगा। बहुत समझ लो ध्यान से, बातें करने से काम नहीं चलना, चर्चाएं करने से भला नहीं होना, मोक्ष मार्ग बनेगा तद्रूप चर्या से। भगवान ने उपदेश दिया है और उपदेश की बात अपन दूसरों को सुनाने लगे, इससे कोई कल्याण नहीं हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं ये मत समझना कि हमें सब हो गया, सम्यक दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, चारित्र भी हो गया, सब हो गया। भूल में मत रहना। अगर तुम स्वभाव में रहते हो, अपने में रमण करते हो, तो हम मान लेंगे कि तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब कुछ है। और अगर स्वभाव में नहीं रमते तो कैसी चोट करी है 387 नंबर की गाथा में कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में आचरण करते हुए मन रत्नत्रय में रमा रहता है, रंगा रहता है, रंजायमान रहता है, वहां सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। और यदि पज्जाव सदिच्छम, यदि पर्याय को देखा तो नवि ज्ञानम नवि दंशनम शरणम। पर्याय को देखते हो तो ना तुम्हें सम्यक दर्शन है, ना ज्ञान है और ना चारित्र। बातें करते हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, पर्याय को देख रहे हो काय का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। स्वभाव को देखो, अपने में रहो, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव दृष्टि से होते हैं, पर्याय दृष्टि अज्ञान रूप परिणाम। अज्ञान पूर्ण भक्ति करना, पर्याय दृष्टि से भक्ति करना, अज्ञान का सहकार करना, अज्ञान पूर्वक व्रत तप क्रिया आदि का आचरण करना, ये सब चीज ज्ञान विरयंतो। दो अभिप्राय है, एक तो अज्ञान पूर्वक ये सब करने में जीव ज्ञान से विरत हो जाता है, हट जाता है, और अज्ञान का सहकार करके फिर कुछ भी आचरण करे वो दुखों का ही बीजारोपण कर रहा है। और दूसरा भाव ये है कि अज्ञान रूप भक्ति और अज्ञान के सहकार से ये जो भी आचरण जीव अज्ञान रूप करता है ये ज्ञान से छूटता है, सम्यक ज्ञान से इस अज्ञान रूप आचरण से विरति होती है। अब गुरुदेव कहते हैं कि तुम नौ कर्मों को पहचान रहे हो, भाव कर्मों को पहचान रहे हो, अरे इनसे विरत हो, हटो इनसे, दृष्टि हटाओ। द्रव्य कर्म नौ पिच्छति, द्रव्य कर्मों की तरफ भी मत देखो। कह रहे हो नौ कर्म मेरे में नहीं है, भाव कर्म मेरे में नहीं है, द्रव्य कर्म मेरे में नहीं है, और उन्हीं को देखते रहते हो। ना तुम नौ कर्म को देखो, ना भाव कर्म को देखो, ना द्रव्य कर्म को देखो, क्योंकि इनको किसी को भी तुमने देखा ज्ञान से अंतर हुआ। ज्ञान अंतर अनंत संसार है, और ये ज्ञान का अंतर अनंत संसार में परिभ्रमण का कारण है, यही अंतराय कर्म बंध का कारण है। स्वभाव से हटना, पर्याय को देखना, स्वभाव से अंतर डालना, ये अंतर ही अंतराय कर्म बंध का कारण है। इस तरह से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चारों ही कर्मों के बंध के कारणों को कहने के बाद अब गुरुदेव कहते हैं कि अगर स्वभाव में निरंतर रमते हो, अंतर नहीं करते, तो सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। अपने स्वरूप में रमण करने से घातिया कर्म छूट जाएंगे,
गाथा 390-391। पज्जावम च अनंतम पज्जाव स्वरूप ज्ञान अन्मोयम् गतियंतरम न दीक्षम ज्ञान ममल साव सिद्धितम पश्चम ईगायकम मुक्तम मुक्तम संसार सरणी सम्मं तिरिवि मुक्तम ममल सावीन सिद्धि। पर्याय अनंत है, आत्मा में अनंत गुण है, इन अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं। ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में ये ज्ञान स्वरूप आत्मा अनंत पर्यायों को पिए हुए बैठा है। एक समुद्र में जैसे अनंत लहरें उठती हैं, ऐसे एक आत्मद्रव्य में अनंत गुणों की अनंत पर्याय उत्पन्न होती हैं। गुरुदेव कहते हैं ऐसे अनंत गुण और अनंत पर्याय स्वरूप जो मूल द्रव्य स्वभाव है, इस अखंड द्रव्य स्वभाव की अनुमोदना करो, ज्ञान स्वरूप में लीन रहो। यदि अंतरम न दिखतम, अगर तुम इसमें अंतर नहीं करते हो, निरंतर स्वभाव में रहते हो, तो ममल ज्ञान स्वभाव में रहने से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसी साधना से, अपने स्वरूप में रहने से घाय कम मुक्कम घातिया कर्म छूटते हैं। मुक्कम संसार सरणि शल्यम, संसार का परिभ्रमण और शल्य छूटती हैं। कमम तिवि विमुक्कम, तीनों प्रकार के कर्मों से जीव विमुक्त होता है और ममल स्वभाव में लीन होने से सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होती है। ये कर्म का संयोग जीव के संसार परिभ्रमण में निमित्त कारण बनता है। कर्म जीव को संसार में परिभ्रमण कराते नहीं है, कराता तो कोई भी नहीं है। जो जो भी परिणमन घट रहा है ये सब सहज हो रहा है। ना कोई किसी को संसार में परिभ्रमण कराता, ना कोई किसी को मुक्ति देता, कोई किसी का कुछ नहीं करता। जो जो भी परिणमन घटता है ये सब कर्म के निमित्त से, जीव के अज्ञान से घटित होता है। अंतर में उपादान कारण है अज्ञान, मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम, मन के विचार, और संयोग में है कर्म तो निमित्त कारण। जहां सद्गुरु कहते हैं स्वभाव में रहने से कर्म छूटते हैं, कर्मों से मुक्ति होती है, और इन कर्मों के अभाव होने पर, घातियां कर्मों के क्षय होने पर क्या क्या चीजें छूट जाती हैं, इन कर्मों के अभाव के साथ साथ फिर और पूरी पलटन, कर्मों की पूरी फौज उन कर्मों के साथ चली जाती है। इसे यहां गुरुदेव 392 नंबर की गाथा से 399 नंबर की गाथा तक स्पष्ट करते हैं। 392 से 395। अन्यान भाव मुक्तम निष्ठा विषयम च राग संकिपनम किपियम अनंत अभावम ज्ञानम अनमोहिकम निकिपनम च परिणामम अन्यानम जनरंजन राग साव निरंजन दोष विलयम। एयम अनेय रूपम इपियोनंत विशेषम कर्म छूटे कि अज्ञान भाव भी छूट जाता है, मिथ्या विषय राग क्षय हो जाते। स्वभाव की रमणता रूप जो अनंत अभाव था वो भी समाप्त हो जाता है। ज्ञान स्वभाव में लीन होने से कर्म निर्जरित हो जाते, अज्ञान रूप परिणाम
जन रंजन राग स्वभाव खिप जाता है, कल रंजन दोष मिला जाता है, मन रंजन गारो भी छूट जाता है। अपना स्वरूप एक अनेक रूप है, स्वभाव से एक है और पर्याय से अनेक है। यही स्याद बात है कि स्वभाव नित्यतामय है और पर्याय अनित्यतामय है। ऐसे अपने द्रव्य गुण पर्याय से संपन्न, सारे रूपों से अतीत स्वभाव में रहने से कर्म मोह रूपी अंधकार का उत्पन्न होना ये सब क्षय हो जाता है और अनंत अनंत कर्म भी कमट नष्ट तम अनिच्छ ममल भाव छिन्न। ये सारे कमट गठ तम अनिच्छ ममल भाव छिन्न कर्मों के सारे गठा अनिष्टकारी ममल भाव में रहने से सब छिन्न भिन्न हो जाते। इतियो कम्मान अनंत अनंताय, अनंतानंत कर्म क्षय हो जाते। अनंत विशेष जितना भी पर्यायी परिणमन विकार संयोग सब क्षय हो जाता है। पुण्य पाप स्वभाव समाप्त हो जाता है, छूट जाता है। मन को सहकार करने की जो परिणति है वो भी छूट जाती है और मन से उत्पन्न होने वाले कर्मों का भी अभाव हो जाता है। ऐसी महिमा है स्वभाव में निरंतर रमने की। जिस स्वभाव में रमण करने से कर्म छूटते हैं तो कर्म अपने साथ अपनी सारी सेना को भी साथ में ले जाते हैं, सारे विकार भाव भी क्षय हो जाते हैं। इस विषय को 396 से 399 नंबर की गाथा तक यहाँ गुरुदेव कहते हैं। क्षिपियो समल विशेषम क्षिपियो कसाय विशेषम वंदम क्षिपियो नंत अभावम क्षिपियो पज्जाव क्षिपियो तिमूल भावम क्षिपियो परिणाम जीव पज्जावम क्षिपियो कम निबंधम क्षिपियो संसार ममल सावम विष्टम अन्मोयम ज्ञान सावम ज्ञानम अन्मोये ममल ज्ञानम च ममलम च दंशनत्वम कैसी अद्भुत महिमा है स्वरूप में रमण करने की। आचार्य कहते हैं समल विशेष विभाव विशेष समाप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। विषय कषाय का संबंध नष्ट हो जाता है, स्वभाव के प्रति अनंत अभाव दूर हो जाता है और अनिष्टकारी पर्याय दृष्टि भी छूट जाती है। तीन प्रकार के मूल भाव लाज भय गौरव छिप जाते हैं। अजीव की पर्याय से संबंधित परिणाम और अजीव की पर्याय के अनुरूप होने वाला परिणमन समाप्त हो जाता है, कर्मों के बंध भी क्षय हो जाते हैं और संसार के परिभ्रमण से जो अनादि काल से संबंध बना चला आ रहा था ये संबंध भी समाप्त हो जाता है। ऐसी है अपने स्वभाव में रहने की महिमा। कोई भी चीज शेष नहीं बचती, ना कोई कर्म ना कोई विभाव ना कोई संयोग ना कोई मान्यताएं। अपने स्वरूप में रहने से स्वभाव में डूबने से सारे विकारों का अभाव हो जाता है। ममल स्वभाव को देखो कि ममल स्वभाव के अनंतानंत परिणाम है। ये ममल स्वभाव उसका समय है जिन जीवों के इस ममल स्वभाव की उत्पत्ति होती है वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, ममल ज्ञान ही ज्ञान स्वभाव में डूबने से ममल स्वभाव का दर्शन होता है और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति
और मुक्ति को गमन, ऐसी उपलब्धियां सत्स्वरूप के आश्रय से रहने पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपने अंतर में ही होती हैं। उपदेश शुद्ध सार का सार यही है कि अपने स्वभाव की साधना के बल से इन विकारों का अभाव करके निरंतर अपने में रमने की स्थिति बने। कर्मोदय जन्य जितने भी विकार हैं ये सब नाशवान हैं, पर्यायी परिणाम क्षणिक हैं। कोई भी भाव उठता है ये कर्म के उदय के निमित्त से उठता है। स्क्रीन पर चित्र चलते हैं, एक एक चित्र आता जाता है और समाप्त होता जाता है। कोई भी चित्र टिकता नहीं है, स्थायी रूप से नहीं रहता। ये उपयोग की स्क्रीन पर चलने वाले चित्र हैं जो मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। बहुत विशेष बात समझने की है। कल हमने तत्वार सूत्र में जिन 8 कर्मों के बारे में पढ़ा था, आद्य, ज्ञान, दर्शनावरण आदि, इनमें 7 कर्म यद्यपि आत्मा के गुणों को आवृत करते हैं, संसार में परिभ्रमण में कारण होते हैं, पर मोहिनी कर्म को सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए कहा है, ये संसार का मूल है। 7 कर्मों के उदय के निमित्त से रागादि रूप विभाव परिणाम नहीं होते। रागादि रूप विभाव परिणाम होने का कारण एकमात्र मोहिनी कर्म है। मिथ्या श्रद्धान रूप होने का मूल कारण मोहिनी कर्म है। ज्ञानावरण कर्म ज्ञान गुण को आवृत करता है, तो ज्ञान की क्षयोपम छायक आदि रूप अवस्थाएं बनेंगी। लेकिन मोह कर्म के उदय से मिथ्या राग द्वेष मोह ईर्षा घृणा शोक भय जुगुप्सा आदि जितने भी विभाव भाव हैं, ये सारे विभाव परिणाम होते हैं मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त। इसलिए सारे कर्मों का सेनापति यही है। 10वें अध्याय में तत्वार सूत्र में अपन देखेंगे मोहक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाज के 3 घातियां कर्म बाद में नष्ट होते हैं। पहले नष्ट होता है मोहनीय कर्म। यहां आचार्य भगवान इसी बात को कहना चाहते हैं कि कर्म संयोग के कारण उदय निमित्त से विभिन्न प्रकार के परिणाम होते हैं और इन परिणामों से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव में रहने की साधना करना ही ज्ञानी साधक की साधना है। अंतर में देखो कि भगवान है, परमात्मा है, ये आत्मा स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है। इसी स्वभाव के आश्रय से ये विभाव राग द्वेषादि परिणाम समाप्त होते हैं, कर्म की निर्जरा का मार्ग बनता है। हमें देखना अपने आत्म स्वभाव को है, पर्यायी भावों से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव की साधना आराधना करना है। इस सत्स्वरूप की साधना से ही आत्म गुणों की प्रगटता और मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बनता है। यहाँ 399 नंबर की गाथा तक गुरुदेव ने इस रहस्य को स्पष्ट किया है कि स्वभाव की साधना आराधना से 4 घातिया कर्मों का विलय होता है और अपने सत्स्वरूप की उपलब्धि होती है। आगे 400 नंबर की गाथा से कुछ विशेष मार्गदर्शन देंगे, जिनका वांछन आगामी समय में करेंगे।